हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमिति की क्लास लेकर आया हूं मैं आज। और इसमें आपको आज बेसिक से बताऊंगा, पहले फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में आते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन फॉर्मूले देखेंगे। देखिए, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है हमारा कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन्हीं फॉर्मूले से हम और फॉर्मूले तैयार करने वाले हैं। आपको ये 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जिनको याद नहीं है और जिनके याद है उनका कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका तो हो ही जाएगा। पहले तो क्लास बेसिक से है, तो मैं बेसिक से ही बताऊंगा। तो देखिए, पहला फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है पहली, ठीक है, पहला फॉर्मूला है। अब इससे तैयार कैसे करते हैं? देखिए, जो मैथ में हमने पढ़ा है वहीं से तैयार करेंगे, यानी कि हम कहते हैं ना पक्षांतर करके, तो वही चीज करेंगे। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है केवल, तो साइन उसके थीटा इज इक्वल टू 1 तो उधर है ही, ये कॉस है, ये कॉस उसके थीटा ना उधर पहुंच जाएगा, तो किसका प्लस का माइनस का पहुंचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। अगर वहीं मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो ये करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो इधर है ही, अब ये माइनस का पहुंचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज 3 फॉर्मूले इससे तैयार हुए, 3 फॉर्मूले बन गए। इसी तरह से 3 हिस्से बनेंगे, 3 हिस्से बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, इसको लिख लेता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अब यहां से कैसे बनेंगे, जैसे मुझे सेक स्क्वायर का निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का, तो प्लस का आएगा टेन स्क्वायर थीटा। यही अगर मुझे निकालना है, टेन सेक स्क्वायर का आ गया, ये टेन स्क्वायर का आ गया। अब अगर मुझे टेन स्क्वायर का निकालना, तो टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उधर चला गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 1। तो ये 2 फॉर्मूले, यानी कि 1 से 2 और बन गए। इसी तरह से मैं इसको भी निकाल सकता हूं, यानी कि पहले ऊपर वाला, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर वाला मिटा करके इसको बनाता हूं। तो देखिए, मुझे निकालना है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे कोशेक स्क्वायर का निकालना है केवल, तो कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ये प्लस का हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब मुझे कोट स्क्वायर का निकालना, कोट स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये फॉर्मूले हो गए 9। आपको त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, सभी को नोट कर लेना, पिछले वाले भी, ये भी। तो ये चीज तो होगी फॉर्मूला, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होती है फॉर्मूला बेस होती है, फॉर्मूले से ही हम त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये होगी चीज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, और फॉर्मूले में और फॉर्मूले हैं, उनको भी करते हैं। ये नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा करके मैं और बताता हूं आपको। देखिए, कुछ फॉर्मूले और हैं, वो आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो काम आते हैं, ये है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं आपको, क्योंकि हाई टाइम डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी यही काम आते हैं, इसी से निकलते हैं, और हाई टाइम डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में। तो ये चीज तो थी फॉर्मूले की, ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, ये आपको याद करने हैं। जब मैं कल क्वेश्चन लेके आऊंगा क्लास में, तो आपको वहां ये बहुत ही काम आने वाले हैं। देखिए, तो ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल है, जिसे बोलते हैं समकोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण ना, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। अब 90 डिग्री का होता है, जैसे ये मान लिया मैंने ए, ये बी, ये सी होगी, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, ये होती है हमारी कर्ण। क्या होती है ये, कर्ण। और ये क्या होता है, हमारा बेस, यानी कि आधार होता है। और ये होता है हमारा लंब, परपेंडिकुलर।
तो ये लंब होता है। ये चीज आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले होते हैं बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करना कैसे समझते हैं इसको। तो देखिए जैसे कि हमारे पास ये है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये चीज है। अब तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सारा खेल इसका है। देखिए एक आपने पढ़ा हुआ इसको बेसिकली, पहले हमने जो पढ़ा था लाल वट्टे कक्का के नाम से हम जानते हैं इसे, आपको भी ऐसे ही याद करना है। क्या याद करना है? लाल वट्टे कक्का। तो इसी से यानी कि इसके अलग अलग फैक्टर बनाएंगे। जैसे इसका ये हो गया, इसका तीसरा, ये चीज होगी। अब इसी से हम इसको पूरे को डिजाइन करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा तो ये होगा हमारा, ये होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा और ये होगा टेन थीटा। ठीक, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा होगा। फिर नीचे से आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी आधार वट्टे लंब होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉट। कौन सा हो जाएगा? कॉट। ये हो जाएगा आपका सेक और ये हो जाएगा आपका कोसेक। ठीक, ये चीज तो हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि साइन को निकालेंगे तो साइन का होगा आपका, साइन का क्या हो जाएगा आपका? लंब अपॉन आधा करण, लंब वट्टे करण। साइन का क्या हो जाएगा आपका? देखिए साइन का हो जाएगा लंब वट्टे करण, लंब वट्टे करण हो जाएगा। वही कोस का होगा, कोस का आधार वट्टे करण हो जाएगा। वहीं टेन थीटा का निकालेंगे तो लंब वट्टे आधार हो जाएगा, लंब वट्टे आधार हो जाएगा। कॉट का निकालेंगे तो कॉट का नीचे से करेंगे, आधार वट्टे लंब। वहीं सेक का निकालेंगे तो सेक का हो जाएगा आपका करण, नीचे वाला लेंगे करण वट्टे आधार। और वहीं कुशेक का निकालेंगे तो कुशेक का हो जाएगा करण अपॉन लंब, करण अपॉन लंब। तो ये चीज आपको समझनी है। कैसे समझनी है? ये चीज आपको बेसिकली समझनी है, यानी कि लाल बट्टे कक्का। अगर आप इसको समझ गए तो इसको सारी जो चीज है ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब इसको यहां थीटा लगा लीजिए, ठीक, तो ये साइन थीटा की अगर वैल्यू पूछेगा तो कोई लंब बट्टे कर्ण होगी, कॉस थीटा की पूछेगा आधार बट्टे कर्ण होगी, टेन थीटा की पूछेगा तो लंब बट्टे आधार होगी। अपने दिमागों में इसको सेट करना, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ये मैंने बता दिए। अब इनका यूज कैसे होता है? आप कहेंगे सर ये तो हम सीख गए, अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो देखिए यूज भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन दे दिया है, एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक, अगर इस तरह से आपके पास है और आपसे पूछा जाएगा कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इसमें क्या होगा, तो देखिए कॉस थीटा क्या होगा, देखिए कॉस थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे, हमने पढ़ा था साइन थीटा के बाद में कॉस आता है, यानी कि लाल वट्टे कक्का होता है, लंब वट्टे कर्ण पहला होगा, दूसरा होगा आधार वट्टे, वही पढ़ेंगे, यानी कि लाल वट्टे कक्का। तो ये साइन का हो जाता है, कॉस का कौन सा होगा? आधार वट्टे कर्ण, आधार अपॉन करण होगा। आधार हमारा कौन सा होता है? ये हमारा बेस आधार होता है, ये करण होता है, ये लंब होता है। तो ए की जगह पर हम क्या लगाएंगे? थ्री लगाएंगे और के की जगह पर क्या लगाएंगे? फाइव लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें टेन का निकालना हो तो टेन का कैसे निकालेंगे? टेन थीटा इक्वल टू, आपको पता ही है कि टेन कहां होगा? साइन कॉस टेन होगा आपका, लंब वट्टे आधार होगा। और लंब की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? चार दे रखी है। और आधार कितना है आपका? तीन है। तो इस तरह से हम कोई से भी किसी भी रेशियो, त्रिकोणमिति के जो रेशियो है उनका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उनको उनका कोई भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। कि आपको दे दिया जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, ये दे दिया जाए आपको सिक्स अपॉन एट, अपॉन एट दे दिया जाएगा। और आपसे पूछेगा कि कॉट थीटा
साइन थीटा, सेक थीटा, इनके मान ज्ञात करो, इनकी क्या करो मान ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको पता ही है कि हमें क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, और यहां आपको पता ही है कि ये टेन क्या होता है, टेन होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, इसमें लंब ये होता है, आधार ये होता है, और इसको नाम दे देता हूं मैं, और इसमें कर्ण क्या होता है, ये होता है। तो आधार तो आपका 8 हो गया और लंब आपका 6 हो गया, हमें कर्ण चाहिए। क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, नहीं तो हमें साइन की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर मैं साइन की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो साइन में चाहिए लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण चाहिए, तो हमें कर्ण तो पता ही नहीं है, तो कर्ण की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कर्ण को हम फाइंड करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये चीज फॉर्मूला होता है, आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए इसका क्या करेंगे, यानी कि हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण एसी तो निकालना ही है हमें, तो इजिकल और एवी कितना है, एवी है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और बीसी 6 है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा, तो एसी का स्क्वायर आपका आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसका रूट लेंगे तो एसी इजिकल टू रूट 100, यानी कि एसी की जो वैल्यू आ गई मेरी वो आ गई 10। तो यहां से ये निकल के कितना आ गया मेरा 10 आ गया। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए आपसे ये सॉल्व हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। तो अब मुझे देखिए साइन थीटे की वैल्यू चाहिए लंब बट्टे कर्ण, तो मैं यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब मेरे पास 6 है और कर्ण कितना आ गया 10 आ गया, इसको कट भी कर दूं मैं तो 2 3 6 और 2 5 10, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मैं यहां से कोई भी डिजिट कुछ भी पूछ ले, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सारे मान आसानी से निकाल सकता हूं। तो ये बहुत ही जरूरी है आपको आना। अब मैं इस पर एक और आपको ये बता देता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करें, एक बार और बता देता हूं तो आपकी समझ में अच्छे से ये आ जाएगा, क्योंकि आज बेसिक क्लास है तो आज आपको फॉर्मूले सीखने हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आ जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रायंगल बना लेना है, इसको नाम दे देना है ए बी सी, ये आपको पता ही है कर्ण है, ये बेस होता है, आधार होता है, और ये आपका लंब होता है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, हमारा लंब बट्टे कर्ण होता है, ये एल हो गई, ये के हो गई, के की वैल्यू कितनी है 5 है, और एल की वैल्यू कितनी है 3 है, और आपसे पूछेगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ ले, बस इतना आना चाहिए हमारे पास ए नहीं है यानी कि बेस नहीं है, अगर बेस आ जाएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर चाहे कुछ भी पूछ ले। तो ये टेन थीटा निकालने के लिए हमें लंब अपॉन आधार यानी कि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, अब पहले मैंने एसी लिखा था, मैं लिख देता हूं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये चीज करेंगे तो कर्ण हमें कर्ण दे रखा है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आधार निकालना है हमें, और प्लस लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 9। ये जब इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 25 में से 9 माइनस होंगे तो 16 आएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू रूट 16 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ए हमारा कितना आ गया
4 आ गया। इस फॉर्मूले से आप कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें चाहिए L, तो L कितना है आपका 3 है और A कितना है 4 है, तो ऐसे आप कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज आपको इनकी ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि त्रिकोणमिति में आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपसे अच्छे से आ गई तो आपको त्रिकोणमिति बहुत ही सरल लगने लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो से तीन क्वेश्चन में आएंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और मैं आपको इसे अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। अगर आज की वीडियो में मजा आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद एक बार फिर से।